STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Today we are going to learn about structural analysis using stiffness method to calculate the stiffness of a multiple spring system. So let's get started. So हम start करते हैं stiffness matrix for two elastic springs in line. यहाँ पे हमने दो springs ले रखे हैं, एक की stiffness है kA और दूसरे की stiffness है kB. ये node 1 पे इसका force लगता है fx1, u1 इसका displacement होगा and second node पे fx2 force है, u2 displacement, third node पे fx3 force है, u3 displacement है और ये axis पे displacement होगा. फर्स्टली क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था फॉर ए सिंगल स्प्रिंग, उसी मेथड को आगे अप्लाई करेंगे. पहले क्या करेंगे, u1 इक्वल टू u2 करेंगे और u2 इक्वल टू u3 जीरो हो जाएंगे. नोड 2 और नोड 3 स्टैटिक पोजीशन पे रहेंगे. तो fx1 क्या होगा, kA u1 और माइनस fx2 इसका रिएक्शन फोर्स होगा. fx3 जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है. ठीक है, सेकेंडली क्या करेंगे, u1 इक्वल टू u3 इक्वल टू जीरो कर देंगे और u2 को u2 रहने देंगे. तो फिर क्या होगा, इसे मोमेंट ऑफ नोड 2 टेक्स प्लेस अगेंस्ट कम्बाइंड स्प्रिंग स्टिफनेस kA and kB. ये जो नोड 2 है ये दोनों से कम्बाइंड है, दोनों नोड से, दोनों स्प्रिंग से, 1 वाली और 3 वाली नोड से. तो इसका कम्बाइंड जो स्टिफनेस होगा वो क्या हो जाएगा, kA plus kB हो जाएगा और u2 साथ में. और जो यहाँ पे fx1 फोर्स यहाँ पे लगेगा ड्यू टू नोड 2 वो हो जाएगा माइनस kA u2 एंड जो यहाँ पे fx3 के पास जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा माइनस kB u2. फाइनली हमें क्या करना है, u1 इक्वल टू u2 जीरो रखेंगे, u3 इक्वल टू u3 कर देंगे. यहाँ पे fx3 का के फोर्स कितना आ जाएगा, fx3 आ जाएगा kB u3 और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है माइनस fx2 हो जाएगा. और यहाँ पे fx1 जीरो होगा क्योंकि f3 से कोई कनेक्शन नहीं है fx1 फोर्स का. फाइनली हमारे पास इसको हम बाई सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो fx1 हमारे पास आ जाएगी kA u1 माइनस kA u2 और fx2 आ जाएगा हमारे पास माइनस kA u2 प्लस kA plus kB u2 माइनस kB u3 और fx3 आ जाएगा माइनस kB u2 प्लस kB u3. अब इन तीनों का हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था. यहाँ पे fx1 f1x f2x एंड f3x यहाँ पे आ जाएगा kA minus kA जीरो देन माइनस kA plus kB माइनस kB जीरो माइनस kB एंड kB. यहाँ पे सारे डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे. अगर यहाँ से हम स्टिफनेस को शॉर्ट आउट करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास, जो कि ये मैट्रिक्स होगा 3x3 ऑर्डर का. ऑल्सो ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ नोड्स. जो ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो नंबर ऑफ नोड्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे अगर किसी मैट्रिक्स का नोड, किसी मैट्रिक्स में दो नोड्स हैं, किसी भी स्प्रिंग में दो नोड्स हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा. अगर n है तो n हो जाएगा. बट अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स दिया हो, एक बार ये पढ़ देते हैं. हाउएवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कांट प्रिडिक्ट नंबर ऑफ नोड्स हैज मोर देन वन फोर्सेस मे बी एक्टिंग एट दैट नोड. जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमारे पास होगा तो हम उसे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने नोड हो सकते हैं, क्योंकि जो नोड होती हैं हो सकता है उस नोड के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करती हों. ओके, फाइनली हमारे पास होता है ये जो जनरल फॉर्म होता है 3x3 मैट्रिक्स का, ये होता है जो हमने प्लस वन की या फिर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी मैट्रिक्स के चैप्टर में. फिर हम क्या करेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि नोड 1 से नोड 2 के बीच में होगा, वो ये हो जाएगा, और नोड 2 टू नोड 3 का ये हो जाएगा. अरे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो नोड 1 टू नोड 2 है वो के था स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स, उसका हम एक सिंगल लिए 2x2 का मैट्रिक्स बना लेंगे. सिमिलरली नोड 2x3 का बना लेंगे kB का. और इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 14th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल सॉल्यूशन वही आ जाएगा वापस से, जो हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाली है फॉर टू स्प्रिंग्स के लिए. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो K2 टर्म है वो लिंक करता है दोनों नोड्स को, 1 और 3 नोड्स को. यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये K2 टर्म है, तो ये जो नोड है, जो नोड 2 है, जो 1 और 3 को लिंक करती है, 1 और 3 नोड्स को लिंक करती है.
सिमिलरली जो नोड जो ये टर्म K13 और K31 है, ये दोनों ज़ीरो हैं यहाँ पे, K13 और K31 दोनों ज़ीरो, वो इसलिए क्योंकि 1 and 3 नोड्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड और अफेक्टेड बाई ईच अदर्स डिस्प्लेसमेंट. टर्म्स ऑफ फॉर्म KII ऑन द मेन डायगनल कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मीटिंग एट नोड I एंड ऑफ डायगनल टर्म्स ऑफ द फॉर्म KIJ कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ ऑल द स्टिफनेस ऑफ द एलिमेंट कनेक्टिंग नोड I to J. ये कुछ एक डेफिनेशन है, सिंपल याद रखनी है, ये लॉजिक अप्लाई होगा आगे. सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी कॉलम इज ज़ीरो इंडिकेटिंग दैट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड. ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो भी जितने भी कॉलम्स हैं उनका सारे का सम ज़ीरो है और ये प्रूव करता है कि हाँ भाई ये जो मैट्रिक्स है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है. जैसे कि KA+-KA ज़ीरो हो जाएगा और अगर इसका भी हम एडिशन करेंगे तो ज़ीरो होगा, इसका भी करेंगे तो ज़ीरो होगा. सो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है. और आगे क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वैनिशेस. जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा, जो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका कोई डिटर्मिनेंट नहीं होता और इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते. तो क्या होगा, दिस मीन्स दैट द एसोसिएटेड सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर द अननोन नोडल डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फॉर द सिंपल रीजन दैट वी हैव प्लेस्ड नो लिमिटेशन ऑन एनी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स U1, U2 और U3. वो इसलिए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. वो डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो उसके ऊपर हम अपना कोई कंट्रोल नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक बाउंड्री कंडीशन हम डिफाइन करेंगे. दस द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल लोड्स रिजल्ट्स इन द सिस्टम मूविंग एज अ रिजिड बॉडी. देयर फॉर सफिशियंट बॉडी कंडीशन मस्ट बी स्पेसिफाइड टू एनेबल द सिस्टम टू रिमेन स्टेबल अंडर लोड. हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हम नोड 1 है वो फिक्स है. इसका मतलब क्या होगा, नोड 1 ज़ीरो हो जाएगा और जो हमारा नॉर्मल स्टिफनेस का इक्वेशन है 3x3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का, उसको हम रीराइट करेंगे इन पार्टीशन फॉर्म FX1, FX2, FX3 एज इट इज़. देन यहाँ से पार्टीशन हो जाएगा ऊपर और नीचे, ये वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन. और जो U1 है इसको हम 0 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 18 मान लेंगे. यहाँ पे FX1 क्या है, अननोन रिएक्शन एट नोड 1 और U2 एंड U3 क्या, अननोन नोडल डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंडिंग इक्वेशन 18 बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, FX1=KA0 U2, U3 जो ये FX2 एंड FX3 है वो उसका सॉल्यूशन ही आ जाएगा, KA+KB-KB-KB U2 एंड U3. ये इक्वेशन 19 हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है इक्वेशन 19 का, ये जो स्टिफनेस ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम इस साइड ले आएंगे और जो U2 और U3 है डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका हम इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है. तो अगर हम इस स्टिफनेस को इधर ले आएंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और फोर्स यहाँ पे हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट का वो हो गया, फार्मूला बन गया. तो U1, U2 एंड U3 और यहाँ पे सिंपल इनवर्स का फार्मूला लगा के इसका हम इनवर्स निकालेंगे जैसे मैथ्स के मैट्रिक्स चैप्टर में करते थे. तो हमारे पास आ जाएगा 1/KA, 1/KA, 1/KB+1/KA, FX1, FX2 एंड FX3 और फाइनली हमारे पास फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा -KA0, 1/KA, 1/KA, 1/KB+1/KA, FX2, FX3 आ जाएगा यहाँ पे. तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, FX1=-FX2-FX3 जो कि इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए ये काफ़ी है. तो हम कुछ इंटरनल फोर्सेस निकालेंगे स्प्रिंग्स के अंदर, जो इंटरनल फोर्स बनेगा उसका. द इंटरनल फोर्सेस इन द स्प्रिंग्स मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप ऑफ द ईच स्प्रिंग. इफ एस इज द फोर्स इन द स्प्रिंग जॉइनिंग नोड्स 1 एंड 2, अगर ऐसे एक फोर्स है जो दोनों नोड्स को जॉइन करता है 1 एंड 2, तो ये फोर्स क्या होगा, KA × U2-U1. और सिमिलरली जो नोड 2 और 3 के बीच में कितना इंटरनल फोर्स होगा, SB होगा, इसको SB कहेंगे. और ये कितना हो जाएगा, KB U3-U2. आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैट्रिक्स एनालिसिस फॉर पिन जॉइंटेड फ्रेमवर्क्स देखेंगे इसके अंदर क्या होता है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.